एक बड़ी बाउंटी। वन शॉट गॉबलेट्स चले जाओ। बस बहुत हो गया। इस वक्त पूरे दुनिया में प्रभास से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म कल्कि 2898 AD का बजट है 650 करोड़ और इस फिल्म ने पूरे 5 दिनों में जो बिजनेस किया है वो दूसरे एक्टर्स को करने में महीनों लग जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कल्कि का 5 languages का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस फिल्म ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना कलेक्शन कर लिया है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। नाग अश्विन ने ये प्रूव कर दिया है कि आपके पास अगर दमदार कंटेंट हो और साथ में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बड़े कलाकार हो तो इस फिल्म को जरूर लोगों का प्यार और सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी धमाकेदार होगा। कल की फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया गया था रिलीज से पहले, तो काफी लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप होगी, लेकिन इस फिल्म ने पहले ही दिन जबरदस्त ओपनिंग लेके सबके होश उड़ा दिए। अब अगर बात करें कल्कि का 5 दिनों की कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी मार्केट का, फिर उसके बाद बात करेंगे बाकी के लैंग्वेजेस का। तो कल्कि को हिंदी मार्केट में 3500 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था और फर्स्ट डे ही ऑल इंडिया हिंदी नेट कलेक्शन 22.50 करोड़ का किया था। सेकेंड डे हल्का सा जंप देखने मिला और सेकेंड डे हिंदी नेट कलेक्शन 23.25 करोड़ का किया। थर्ड डे सैटरडे था तो उस दिन भी हमें अच्छा जंप देखने मिला और थर्ड डे हिंदी नेट कलेक्शन 26.25 करोड़ का किया। और रही बात संडे यानी फोर्थ डे में, इस फिल्म ने हिंदी नेट कलेक्शन 39.50 करोड़ का किया था जो कि सबके एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा रहा। लेकिन इस फिल्म का एक्चुअल टेस्ट शुरू होता है आज से यानी मंडे प्रॉपर वर्किंग डे से। वैसे तो ये फिल्म थर्सडे को रिलीज हुआ था और इस फिल्म को अच्छा खासा लंबा वीकेंड भी मिला, लेकिन सबको लग रहा था ये फिल्म आज यानी मंडे के दिन अपना दम तोड़ देगी, लेकिन इसका मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 50% से भी ज्यादा है और बाकी के शोज का बुकिंग भी एकदम सॉलिड है। तो अपडेट के अकॉर्डिंग कल्कि का आज फिफ्थ डे हिंदी नेट कलेक्शन 13.50 करोड़ का कर रही है। तो सब मिलाकर कल्कि का पूरे 5 दिनों का हिंदी नेट कलेक्शन हो रहा है 125 करोड़ और 125 करोड़ सिर्फ हिंदी मार्केट से करके प्रभास की ये 6th फिल्म है जो 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। तो इसी के साथ प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD हिंदी मार्केट में तो सुपर डुपर हिट हो ही गया है। खैर अब अगर बात करते हैं बाकी के लैंग्वेजेस की कलेक्शन के बारे में तो कल्कि अपने फर्स्ट डे पे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 191.50 करोड़ का किया है फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस। सेकेंड डे वर्ल्ड वाइड 107 करोड़ का किया है और थर्ड डे पे वर्ल्ड वाइड हुआ है 116.50 करोड़ का और फोर्थ डे पे इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 147 करोड़। और रही बात आज फिफ्थ डे का तो कल्कि अपने फिफ्थ डे पे ऑलमोस्ट 65 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है। तो ओवरऑल कल्कि का 5 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 627 करोड़। कल्कि का बजट है 650 करोड़ और इस फिल्म ने ऑलरेडी 627 करोड़ का बिजनेस कर लिया है वो भी सिर्फ 5 दिनों में। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने 6th डे पे अपना बजट से भी ज्यादा का बिजनेस कर ही लेगी। एनीवेज आपको क्या लगता है कि कल्कि 2898 AD का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।